तरफ जंगल की खामोशी और दूसरी तरफ मौत का मंजर पेश करते हुए बेजान दरख्त जंगल की मंजर को और खौफनाक बना देती है। इन मुर्दा और बेजान दरख्तों को स्नेक ट्रीज कहा जाता है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, ये दरख्त खुद तो मुर्दा है लेकिन अपने अंदर बहुत सी जिंदगियों को समोए हुए है। बज़ाहिर बेजान और बेकार नजर आने वाले इन दरख्तों का नेचर में बहुत अहम इकोलॉजिकल रोल है। ये स्नेक ट्रीज दिन के वक्त बहुत से शिकारी परिंदों जैसा कि ईगल्स, हॉक्स और ओल्स का मस्कन है, जहां से ये अपने शिकार पर नजर रखते हैं और अपने तरफ आने वाले खतरे को भी बरवक्त भांप लेते हैं। वुड पेकर परिंदा इस लकड़ी के अंदर छुपे कीड़े मकोड़ों को खाता है। इसके लिए वो अपने चोंच से स्नेक ट्रीज में सुराख बनाता है और इन सुराख या कैविटीज के अंदर बाद में वुड पेकर या दूसरे परिंदे अपना घोंसला भी बनाते हैं। मुख्तलिफ सांप और दूसरे कोल्ड ब्लडेड एनिमल सुबह के वक्त इसके ब्रांचेस पर चढ़ जाते हैं ताकि वो धूप में अपनी बॉडीज गर्म कर सके। ये दरख्त मुख्तलिफ वजूहात की वजह से बनते हैं, जिसमें पानी और न्यूट्रिएंट्स की कमी, फंगस और दूसरी वबाई बीमारियां और मुख्तलिफ जानवरों समेत इंसान के पहुंचाए गए फिजिकल डैमेजेस शामिल हैं। कीड़े मकोड़े और फंगस इसकी लकड़ी को खाकर डिकम्पोज करते हैं, जिसके वजह से बहुत से वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स वापस जमीन में शामिल हो जाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। बहुत से छोटे मैमल जैसा कि स्क्विरल और रकून वगैरह इन स्नेक ट्रीज के खोखले तनों में अपना नेस्टिंग साइट बनाते हैं। यहाँ पर ये अपने बच्चे भी पालते हैं और सर्दी के लिए खुराक भी स्टोर करते हैं। तो इस सब से हमें ये पता चलता है कि इन ट्रीज का भी नेचर में एक बहुत अहम रोल है। बज़ाहिर बेजान और बेकार नजर आने वाले ये दरख्त बहुत से परिंदों, जानवरों और इंसेक्ट्स को पनाह देते हैं। ये सब अपनी खुराक, शेल्टर और दूसरी जरूरियात के लिए इस स्नेक ट्रीज पर डिपेंड करते हैं। तो ये सब था स्नेक ट्रीज के बारे में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।